गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज 26 जून 2023, जस्ट क्विक रिकैप ऑफ द प्री मार्केट एनालिसिस। डॉलर इंडेक्स अभी है 102.73, जैसे कि ये आपका 101.95-96 लेवल से जो एक अपस्विंग मारा था 103.213 तक, यहाँ पे सेंटर बैंड के आसपास रेस्पेक्ट किया था एंड अभी थोड़ा सा वार्निंग से थोड़ा सा सॉफ्ट लग रहा है। अभी देखना है कि ये जो सेंटर बैंड है, सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड व्हिच इज नथिंग बट अ 20 पीरियड मूविंग एवरेज, इसमें रेजिस्टेंस लेके ये नीचे की तरफ जाता है या नहीं। डॉलर रुपी एट 81.95, यहाँ पे अच्छा खासा मीन्स अपटिक में, मीन्स 82.05 से 82.20 इस बीच में काफी अच्छा खासा सेल ऑफ दिख रहे हैं। मिस सेलर्स आर वेरी मच डोमिनेंट। जब तक इस रेंज को ब्रेकआउट करके ऊपर यानी 82.25 के ऊपर क्लोज नहीं दे देता है, तब तक वीकनेस बरकरार रहेगा, सेल ऑप्टिक्स चलता रहेगा। एंड ऑन द लोअर साइड वी नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द इनविजिबल हैंड्स। क्या इनविजिबल हैंड्स आर मीन्स रियली प्रेजेंट और दे आर गोइंग टू बी प्रेजेंट एट डीप, we need to see। GBP dollar abhi hai aapka 1.2738, ye aapka jo support tha that is at 1.2675 se 1.2700, ye jo previous resistance which was supposed to act as a resistance support, wahan pe support leke upar jane ka prayas kar raha hai। That means the case jaise hi dollar index aapka yahan se resistance leke dobara swing low ki taraf jayega, that is 100.102 and lower, in such a case GBP dollar dobara aapka ye jo swing high hai usko challenge karne ka prayas karega, that is 1.2850 ki taraf dobara challenge karega। GBP INR pe aapka similarly ye, हालांकि ये इस लेवल पे 103.75 के आसपास आया नहीं है, लेकिन आपका ये 104.10 से एक पुल बैक करने का प्रयास कर रहा है। यूरो डॉलर में भी आपका ये जो सेंटर बैंड के आसपास एक डीप डाउन दिया था ऑन योर फ्राइडे, ये आपका 101.0850 के आसपास एक टच डाउन करके ऊपर गया है, यहाँ पर भी सिमिलरली एक ऊपर जाने का प्रयास कर सकता है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन डॉलर इंडेक्स जो है ये आपका करंट लेवल से स्विंग लो की तरफ जाए 102.00 एंड लोअर की तरफ जाए। यूरो आईएनआर आपका यहाँ पे भी सिमिलरली थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ है, लेट इट टू क्लैरिफाई मीन्स लिटिल बिट यहाँ पे क्लैरिटी थोड़ा सा मिसिंग है। डॉलर येन आपका 143.55, यहाँ पे हमें थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, केयरफुल इन द सेंस काफी ज्यादा वीक हो चुका है डॉलर येन। क्या ये आपका पॉलिसी मेकर्स थोड़ा सा कुछ अपना जो अल्ट्रा लो रेट्स है उसके बारे में कुछ डिसीजंस लेते हैं, वी नीड टू कीप ए क्लोज वॉच। येन आईएनआर 0.5710, ये कंटिन्यूअसली नीचे के तरफ ही जा रहा है, सेल ऑप्टिक्स में भी कंसीडर्ड इन दिस इंस्ट्रूमेंट। डॉलर कैन बी आपका फ्राइडे को एक पुल बैक देने का प्रयास किया था, एनीवे दिस इज गोइंग टू बी आवर रेजिस्टेंस दैट इज 1.3250 एंड ये ग्रेजुअली नीचे के तरफ जाने का प्रयास करे, जैसे लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन करेगा, इन सच ए केस 1.2850 इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट टारगेट। ऑसी डॉलर आपका अभी है 0.6685, यहाँ पे जो फॉल्स ब्रेकडाउन था ऊपर की तरफ, ये वाला फॉल्स ब्रेकडाउन था जैसे इसके नीचे अंदर में आ चुका था, कीपिंग दिस एज अ स्टॉप लॉस, हमारा जो फ्राइडे मॉर्निंग का एनालिसिस था कीपिंग दिस एज द स्टॉप लॉस, मींस द ऑसी डॉलर इज एक्सपेक्टेड टू मूव टुवर्ड्स 0.6550 एंड उसी की तरफ ये प्रोसीड कर रहा है। अभी सीएनएच में काफी कल ये फ्राइडे को जो हाई मारा था 1.2125, अभी थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ है 7.20 के आसपास, यहाँ पर भी थोड़ा सा हमें चाइनीज इकोनॉमी को क्लोजली मॉनिटर करना है। यूएस टेन ईयर ट्रेजरी फ्राइडे को थोड़ा सा मींस नीचे की तरफ क्लोज दिया था, मींस ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द वीकली रेंज पे था, अभी है 3.725। यहाँ पे जब तक RSI डेली 60 को रेजिस्टेंस लेता है तब तक
ज्यादा कोई कॉन्सर्न नहीं होगा, जैसे आरएसआई 60 के ऊपर चला जाएगा एंड फॉर्मली क्लोज देगा दैट मैं ग्रेजुअली टेक वीकली आरएसआई अबव 60 व्हिच इज गोइंग टू बी अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर अस. जब तक ये नहीं होता है तब तक शांति ही शांति है. यूएस टू ट्रेजरी ये कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ ज्यादा है अगेंस्ट यूएस 10-year ट्रेजरी, तो ये अभी भी 60 के नीचे नहीं आया. जब तक 60 के नीचे नहीं आता एंड देयर आफ्टर 60 को रेजिस्टेंस नहीं लेता है तब तक थोड़ा सा कंसर्न है. यूके ऑयल आपका 74.29, यहाँ पे फ्राइडे के दिन एक अच्छा खासा पिन बार बनाया. ये पिन बार एट द बॉटम मींस इट्स ए क्रूशियल डू और डाई. इसका मतलब क्या है, अगर इसको नीचे जाना है तो ये पिन बार के नीचे क्लोज देना जरूरी होगा. इस मींस आपका 72.30 के नीचे डेली क्लोज देगा तो इन सच ए केस ये जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल इसको तोड़ के नीचे के, और अदरवाइज ऑन द अदर हैंड इट मे ट्राई टू मूव टुवर्ड्स 79 79%. क्या होता है हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा. सो करेंसी क्विक बाय अभी के लिए इतना ही. आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा. सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड.